पिछले कुछ हफ्तों से सिक्किम के डोकलाम में भारत और चीन, इंडिया एंड चाइना के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। दोनों ही देशों ने सीमा पर अपनी फौज बढ़ा दी है। डोकलाम ऐसी जगह है जिसे लेकर चीन और भूटान के बीच भी विवाद रहता है। दरअसल देखा जाए तो भारत और चीन के बीच के तनाव के पीछे चीन के एक जनरल को बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से भारत चीन के रिश्तों में तकरार देखने को मिल रही है, लेकिन गत वर्ष दिसंबर महीने में चीन की पश्चिमी सेना के थिएटर कमांड की सेना जनरल झाओ जनरल्स हे भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने मौजूदा भारत सेना प्रमुख विपिन रावत से मुलाकात करी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपनी 3 दिन की यात्रा के बाद जनरल झाओ ने पश्चिमी सेना के कमांडर प्रवीण बख्शी से भी मुलाकात की थी। उल्लेखनीय है कि भारत में अपने दौरे के दौरान जनरल झाओ ने चीन और भारत के साथ संबंधों के बारे में बात की थी, साथ ही दोनों देश के संबंधों के सुधरने पर भी जोर दिया था। लेकिन अब वही चीन के जनरल झाओ ने अपने तेवर बदल लिए हैं, यानी अपना रंग दिखा दिया है, और वे सिक्किम में भारत चीन के बीच तनाव का मुख्य कारण बन गए हैं। पिछले 3 हफ्तों से दोनों देशों के बीच सिक्किम में तनाव बढ़ रहा है।